नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो नया अपडेट आया है वो अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बोल सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये बदलाव क्या हुआ है इसमें आपको मैं स्टेप बाई स्टेप सारा जानकारी बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप सब तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पोषण ट्रैकर ऐप में बहुत सारी सेविकाएँ काम करना शुरू कर दी थी। तो काम करने के लिए हम लोग, जैसे ही मान लीजिए कि ये गर्भवती महिला है, इनका रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर हम लोग लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करते हैं। तो लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करने पर हम लोग का यहाँ पर लाभार्थी का नाम डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा था आधार संख्या डालने का। तो यहाँ से आधार संख्या डालने का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो आधार संख्या और स्वास्थ्य आईडी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आधार संख्या और स्वास्थ्य आईडी, इन दोनों ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया है, इसका कारण तो अभी नहीं पता लगा है। जैसे ही इसका कारण पता लग जाता है, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के आप सभी को बता दूँगा कि इस आधार संख्या को हटाने का क्या कारण है। तो चलिए हम लोग पहले अपन देख लेते हैं और भी इसमें क्या क्या ऑप्शन दिखाई देता है। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, मान लीजिए देखिए, हम लोग गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन किए थे, तो यहाँ पे दो ही रजिस्ट्रेशन किए थे। और इसमें प्रोफाइल अपडेट करने पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर लाभार्थी का नाम शो कर रहा है, पति का नाम शो कर रहा है और सारा चीज़ शो कर रहा है, लेकिन आधार नंबर का जो अपडेट था उसको हटा दिया गया है। और यहाँ से आप लोग स्वास्थ्य आईडी भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य आईडी को भी यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए, स्वास्थ्य आईडी हटाया गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आधार संख्या हटाने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, अब तो नया अपडेट आएगा उसके बाद ही पता लगेगा कि इसको हटाने का क्या कारण है। क्योंकि बोला गया था कि आधार नंबर यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि आधार नंबर जो कि आंगनबाड़ी सेविका जो भी काम कर पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना शुरू कर दी थी, वो लोग आधार नंबर और मोबाइल नंबर सभी लाभार्थी का लेके अपने पास रखी थी। अब उनको यहाँ से आधार नंबर डालना ही नहीं है, तो फिर उनको काम कैसे करेंगे, इसके बारे में अब नया अपडेट आता है तो आपको जानकारी बता देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 6 महीने से लेकर 3 साल के, या जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किसी में भी आधार का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट में आपको क्या फिर ऑप्शन इसमें अपडेट आता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी अपडेट था मैंने आपको उसका जानकारी बता दिया हूँ। तो जो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि पोषण ट्रैकर ऐप से जो भी अपडेट आया है सभी आंगनबाड़ी बहनों को समय से पता चल सके। तो फ्रेंड्स, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।